हे गाइज, वेलकम बैक टू आई एम ब्रोज इंडिया। गाइज, आज रिएक्शन करने वाले हैं श्री हनुमान चालीसा लिरिक्स ऑफिशियल लिरिक्स वीडियो, लिरिकल वीडियो। सो शत्रुघ्न सिन्हा और पवन सिंह का ये वीडियो है जिसमें स्पेशल थैंक्स दिए गए पागल पायल देव आदित्य देव को और सोनाक्षी सिन्हा को भी स्पेशल थैंक्स दिया गया। आई डोंट नो सोनाक्षी सिन्हा ने इसमें क्या काम किया है, हो सकता प्रोड्यूस किया हो सकता पैसे लगाया हो या फिर गाया हो थोड़ा बहुत, जो भी है। ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो था और एक्साइटमेंट भी बहुत ज़्यादा है। और एक्साइटमेंट इसलिए भी है, एज यू नो वी आर मुस्लिम्स, सो हमने ज्यादा सुना नहीं, हमने तो मूवी का सुना है जो अनुमान इस टाइप से सुना हुआ, इस टाइप से मूवी कुछ लाइन सुनी नहीं है। तो पूरा हनुमान चालीसा है ये शायद, और फर्स्ट टाइम हम किसी धार्मिक वीडियो पर वीडियो रिएक्शन कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को पसंद आए, उम्मीद करते हैं आप एंड तक देखिएगा और हमारा रिव्यू भी जरूर सुनिएगा। और कोई मिस्टेक के लिए अभी से सॉरी सॉरी स्टार्ट करते हैं। अपनी धुन प्रेजेंट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज, श्री निज मन मुकुर सुधारी। क्या बात है, वर्णाऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। आवाज में आज भी दम है शत्रुघ्न सिन्हा। बुद्धिहीन तनु जानी के, सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। म्यूजिक बहुत प्यारा लगती है, बहुत बढ़िया सुकून वाला। इतना दुख और कष्टों का नाश होता है जिसके हृदय में हनुमान का वास होता है। क्या बात, जय हनुमान। वाओ, पवन सिंह क्या बेहतरीन आवाज यार, सीधे दिलों में जगह बना रही इनकी आवाज। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान कुनि अति चातुर, राम काज करि बे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनि बे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। पवन सिंह की आवाज बहुत अच्छी है, मतलब छोटा रूप लेके सिंह को उल्लू बनाया, बड़ा रूप लेके लंका जला डाली और राम जी के काम आते। संजीवनी बूटी रघुपति की बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भर तही सम भाई, सहस बदन तुम्हरो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे, सन कादिक ब्रह्मादि मुनि सा, नारद सारद सहित यही सा, जम कुबेर दिगपाल जाते, कवि को विद कह सके कहते, तुम उपकार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राज पद दीना, तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना।
सहस्त्र जो जन पर भानु लिल्यो ताही मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे देते दुआरे तुम रखवारे होत नया ज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हमको डरना सबसे ज्यादा सुनी ये लाइन तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकल नहीं आवे ये मूवी में बहुत सुनी है जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जोलावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जोग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम दुआरे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ क्या बात है यार सिंगर तो सच में अश्वर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहां जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित न धरई अनुमत से सर्व सुख करई संकट कटय मिटय सब पीरा जो सुमिरय हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव पिनाई जो सतबार पाठ कर कोई छूटहि बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय नाथ हृदय मह डेरा पवन तने संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहूं सुरखूं शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज भी आज भी क्या मजबूत लगती है बहुत आई थिंक इट्स एंड ये जो था बहुत बेहतरीन अमेजिंग था और काफी बार हमने थोड़ा थोड़ा सुना इतना लंबा हमको पता भी नहीं था कि ये होगा हाँ इतना सोचा नहीं था थोड़ा बहुत ही सुना था हमने जैसे कि हमने ये भूत पिशाच वाली लाइन हॉरर मूवीज में सुनी है जहाँ पे लोग मंत्र का जाप करते हैं बजरंगी भाईजान मूवी में थोड़ी बहुत बजरंगी भाईजान में सुना है फिर थोड़ा वो लंडन ड्रीम्स एक सॉन्ग में सुना है जी हनुमान ऑन गुर्जर स्पीड में गाता है सलमान खान उसमें सुना है इस तरह से मूवीज में थोड़ा थोड़ा करके हॉरर मूवी थी 90-20 उसमें लो फील कर रहे हो
आप में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये अगर आप इसका जाप करते हो तो आपको एनर्जी मिलती है। लिरिक्स का मतलब भी वही है। हाँ, और आपको मोटिवेशन मिलती है एक, और तो वो अच्छी चीज है। बहुत बढ़िया बात कही मुझे। और कुछ अच्छे पॉइंट हो हनुमान चालीसा से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हमें भी तो जानने को मिलेगी आखिर और क्या क्या फायदे हैं हनुमान चालीसा के, हमें भी जानने को मिलना चाहिए। लाइक हमारे इस्लाम में भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम पढ़ते हैं तो हमें लो फील होता है, तो हमें अचानक से अच्छा फील होने लग जाता है, जिसे हम दरूद शरीफ कहते हैं। दरूद शरीफ हम पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। राइट, तो कमेंट बॉक्स में बताना किसके और क्या फायदे हैं। पवन सिंह ने जो गाया है वो बहुत ही बेहतरीन गाया है, और शत्रुघ्न सिन्हा की तो बात ही अलग है, उनकी आवाज में जो दम है वो लेवल है। पवन सिंह एक धार्मिक जो सॉन्ग है इतना अच्छा गाएंगे ऐसा सोचा नहीं था, सोचा नहीं था, क्योंकि उनके काफी लगता हमारा जवानी रोमांटिक सॉन्ग रहते हैं उनके, या फिर आइटम नंबर टाइप के रहते हैं उनके। हाँ, बट यहाँ पर उन्होंने सच में किल कर दिया। बहुत अच्छी बहुत आवाज लगी उनकी, और एकदम दिल को सुकून मिल रहा था उनकी आवाज सुनकर। बहुत सॉन्ग से भक्ति सॉन्ग भी अच्छे गाते हैं, ऐसा नहीं कि नॉटी सॉन्ग ही अच्छा गाते हैं, भक्ति सॉन्ग भी अच्छा गाते हैं, हमें पता चल गया। मतलब ही इज अ टैलेंटेड सिंगर, ही इज अ ऑलराउंडर किया जाए तो वो कुछ भी गा सकते हैं। बिल्कुल, उनसे आप मूवी का गाना गवा लो, चाहे कोई सिंगिंग भोजपुरी गाना गवा लो, चाहे आप उनसे भजन गवा लो, वो कुछ भी गा सकते हैं। बात करें शत्रुघ्न सिन्हा की, स्पेशल गेस्ट होंगे, छोटे ही सा लिरिक्स है लेकिन जो भी दमदार बातें कही जाती है वो उनकी आवाज में थी, वो बहुत अच्छा लगा। वो बहुत लगा शत्रुघ्न सिन्हा को इतने दिनों बाद, स्टार्टिंग उनसे हुई और एंड भी उन्होंने किया, वो इतने दिनों बाद शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ सुन के मजा आया सच में। इस तरह से आवाज़ सुन के हम इन्हें इसी ही उम्मीद है, इस तरह की आवाज़ की, तो वो बहुत अच्छा। और इसकी ये लाइन बहुत फेमस है, इसने डिस्क्रिप्शन में भी लिखी है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमान बलबीरा, हनुमत बलबीरा। और ये पवन सिंह ने भी गाया ये लाइन, और ये लाइन मैंने भी कई मूवीज में भी सुनी है। इसका मतलब ही यही है कि संकट जो होता है वो मिट जाए सबका, जो भी रहेगा, जो हनुमान मतलब जो हनुमान के भक्त होते हैं उनका ऐसा कुछ है, मतलब जो हनुमान का जाप करेगा बलबीरा उसका सब संकट मिट जाए, ऐसा कुछ मतलब होगा इस लाइन। तो ये भी है, खैर जो भी आप लोग भी लिरिक्स के मतलब जरूर बताना कमेंट बॉक्स में हमको। बिल्कुल, श्री हनुमान चालीसा कौन कौन पढ़ता है कमेंट बॉक्स में बताना, और क्या क्या फायदे हैं इसे इसका जाप करने के ये भी बताना, और कोई गलती हुई है तो माफी चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन मेक लव नॉट वॉर।